तो दोस्तों एक आज मेरे पास मोबाइल फ़ोन, ये वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। इस वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड लगा हुआ है। तो आज हमारे स्टूडेंट हैं सनी जी, जो पूरा आपको बताएंगे और कैसे मोबाइल फ़ोन का लॉक खोला जाता है उसका तरीका भी आपको समझाएंगे, जो स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप हम सब लोग ये भी निर्धारित करेंगे कि कोई भी मोबाइल फ़ोन अगर हमारे पास आता है लॉक खोलने के लिए या सॉफ्टवेयर करने के लिए, किसी भी काम के लिए कोई भी फ़ोन आता है, तो हम लोग उसको रिपेयर कैसे करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। अगर ये सारे स्टेप, जो वीडियो बनने का एक और पर्पज़ रहता है कि अगर आप कल को कोई स्टेप भूल जाते हैं कि मतलब पहले ये करें कि फिर ये करें फिर ये करें, लेकिन जब आप उस स्टेप को एक बार पूरा देख लेते हो तो फिर उसी आधार पर आपको भी काम करना है। क्योंकि रिपेयरिंग कोई ऐसा नहीं होता कि सोचे समझे एक तरीका होता है कि बस ये कर दो फिक्स हो गया, कुछ ना कुछ कई बार बदलाव भी हो जाते हैं, वो सामने हैंड टू हैंड देखने पर ही समझ में आते हैं। तो इस फ़ोन में प्रॉब्लम ये कि मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा है। लॉक दिखाओ जरा, इसमें कौन सा लॉक लगा है आप इसमें? पैटर्न लॉक लगा इस मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो पैटर्न लॉक लगा हुआ है। ये कौन सा मॉडल है, कैसे चेक करोगे आप बताओ जरा? सर ये मॉडल वीवो Z1X है। वीवो Z1X कैसे पता कि आपने, जरा चेक करके बताओ मुझे। इसका मॉडल हमको पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको इसका कैमरा खोलना होता है। कैमरा को ओपन करें जरा। इसमें कैमरा खोलने के लिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं कैमरे का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें, कैमरा जब खुल जाएगा तो कोई भी कैमरा खोलने के बाद आप इसमें फ़ोटो खोलेंगे, कोई भी फ़ोटो खींच लेंगे। जब फ़ोटो क्लिक करेंगे तो फ़ोटो को ओपन करेंगे, ऊपर डिटेल का ऑप्शन आता है। यहाँ पर डिटेल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मॉडल लिख करके आ रहा है, वीवो 1917। ये 1917। हाँ, ये वीवो 1917 है। अब 1917 मॉडल को चेक करने के लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, GSM अरीना में जाएंगे, इसका CPU पता करेंगे। हाँ, तो GSM अरीना में जाइए, कह दो CPU पता करेंगे, कौन सा CPU लगा है आप चेक करके बताएंगे। इसको क्लोज कर लीजिए मेडिकल ले रहा है। और कुछ होगा आगे? इसमें क्वालकॉम का CPU लगा है। इसमें क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन CPU लगा हुआ है। इसका आइडियल पॉइंट चेक करेंगे। हाँ, आइडियल पॉइंट गूगल के आइडियल पॉइंट निकालो जरा। इसका आइडियल पॉइंट क्या है? आप देखो इसमें एडियल पॉइंट दिखा रहा है, वीवो 1917 का एडियल पॉइंट दिखा रहा है कि कहीं पर एडियल पॉइंट दिया हुआ है। यस सर। कोई भी फोटो खोले, ये देखिए दोनों पॉइंट दिखा रहा है। ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है? जहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के ऊपर जस्ट पॉइंट लेना। यस सर। खोलेंगे तब चेक करेंगे। तो हम लोगों ने एडियल पॉइंट के बारे में देखा है कि एडियल पॉइंट को कैसे हम लोग चेक करेंगे, वीवो का जो मॉडल आएगा उसमें एडियल पॉइंट को कैसे पहचानेंगे। नहीं, ये वाला दिक्कत है।
अब ये ईडीएल पॉइंट जो होते हैं ये हमको मोबाइल फोन के अंदर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? मोबाइल फोन के अंदर मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन खोलना पड़ेगा, ईडीएल पॉइंट के फोन को कनेक्ट कराना पड़ेगा। जब हमारा मोबाइल फोन ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा तो ईडीएल पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद कंप्यूटर से फोन पोर्ट बना लेगा। जब फोन पोर्ट बना लेगा तो क्या होगा उसमें, हाँ, तो हम लोग इसको अनलॉक करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, रिपेयर करेंगे। ये ऐसे जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन हैं, इन सारे मोबाइल फ़ोन का मैंने ये प्लान सोचा हुआ है कि कम से कम हम आपको 500 से 600 मोबाइल फ़ोन का ऐसे वीडियो दें ताकि आप वीडियो देख करके ये समझ सकें कि मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कैसे करते हैं। वो ब्लैक मनी है, ये सारा सब कुछ देखो मैं दिखाता हूँ, ये ब्लैक मनी है। ये मेरे पास दो ब्लैक मनी बची थी जब नोटबंदी हुई थी, दो बची थी, एक 500 का बचा था, एक 1000 का बचा था। नहीं, ये दोनों वॉलपेपर लगाने काम आते हैं। जब भी मैं मोबाइल फ़ोन का टोटो बदलता हूँ तब 500 का 1000 का दो में तो कोई भी लगा लेता हूँ। वो वाइट मनी है। ये हमारा मोबाइल फ़ोन खुल गया है। मोबाइल फ़ोन खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ईडीएल पॉइंट देखेंगे। ईडीएल पॉइंट कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है, यही दिया हुआ ना। ये तो कैमरे के नीचे दिखा रहा है यार, कैमरे का पत्ता हटाओ जरा, ऐसा नहीं कैमरे का पत्ते हो। बैटरी हटाओ पहले। इसके अंदर देखो मॉडल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, पीडी 1921। बट ठीक है, बैटरी हटाने की जरूरत नहीं। हमारा ऑन ऑफ का पत्ता फिर से लगा दो, ये ऑन ऑफ का पत्ता इसको लगा दो, इसको कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, बैटरी का पत्ता लगा दो, आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर खोलना है डिवाइस मैनेजर। क्या खोलना है? डिवाइस मैनेजर। इसको क्लोज करो, मेडिकल को भी क्लोज करो। अच्छा, कंप्यूटर में ये बात है, जो चीज़ काम की खोलो तो उसको समय लगता है, जो बिना काम के तो फट से खोल जाती है, एक बार क्लिक करते ही। डिवाइस मैनेजर में जाओ। आप डिवाइस मैनेजर में डाटा केबल लाओ, टाइप सी की केबल निकालो। हाँ, ये ले लिया। अब वो निकालो जरा, चिमटी लाओ, कोई भी चिमटी दो। हम लोग इसके ईडीएल पॉइंट को सॉर्ट कराएंगे। अब इसमें ईडीएल पॉइंट हम लोगों ने गूगल पे देखे थे, जैसे इसमें दिखा रहा है पीडी 1921। क्या दिखा रहा है? पीडी 1921। तो एक बार सब लोग गूगल पे जरा फिर दोबारा सर्च करो, अपने गूगल खोलो। हाँ, इसको मिनिमाइज कर लो। गूगल खोलो, गूगल में लिखो PD 1921 EDL पॉइंट। हाँ, ये नहीं खुल क्या रहा, बैक करो जरा। हाँ, यही वाला, ये देखो PD 1921। हाँ, ये खोलो जरा। तो ये EDL पॉइंट कहाँ दिया हुआ, कैमरे के पीछे छुपा हुआ ना, दो, एक दो तीन, और उसके बाद कैमरा लगा है, कैमरा के नीचे छुपा हुआ है, एक दो तीन कैमरे के नीचे छुपा हुआ है। चिमटी लाओ जरा, चिमटी लाओ जरा, कैमरा के नीचे कोई रैपर लगा, उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, आराम से। अरे ये निकला जादू, निकालो। हाँ, निकाल के फेंक दो। बस देखो गए कहाँ छुपा हुआ है। इतने तो गूगल में नहीं छुपा था जितने तुमने छुपा रखा है। आप खोलो जरा, इसको मिनिमाइज करो। ईडीएल पॉइंट को पता होना बहुत जरूरी होता है, ये सारे ईडीएल पॉइंट गूगल से ही पता हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इनको चिमटी सॉर्ट कराना और डाटा केबल लगाना है। जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे फ़ोन आपका क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ रखो, ऊपर मत रखो, कीबोर्ड टच हो जाएगा तो कोई भी अपने मंदे बटन काम कर सकता है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, फ़ोन रखना है, चिमटी सॉर्ट कराओ पहले, डाटा केबल लगाओ। फ़ोन को बंद कर लिया था ना, हाँ, कनेक्ट कराइए। जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे यहाँ पर कनेक्शन होगा और यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन पोर्ट बनाएगा। वेरी गुड, पोर्ट बना लिया, छोड़ दो। हाँ, पोर्ट देखो कितना, पोर्ट नंबर कितना है, पोर्ट नंबर रीड करके बताओ जरा।
एरो पे क्लिक करो, आगे एरो पे क्लिक करो, एरो पे। हाँ हाँ, ये देखिए पोर्ट नंबर कितना बना दिया, कॉम 6 फोन कनेक्ट। हाँ कॉम से फोन कनेक्ट हो गया ना। अब इसको मिनिमाइज कर लीजिए। अब क्वालिकॉम सीपीयू तो क्यूसी फायर हमको खोलना पड़ेगा। क्यूसी फायर कहाँ पर है? हाँ नीचे आओ, ये देखो बीच में, यही ये क्यूसी फायर। इसके माध्यम से हम जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करेंगे। डोंगल लगा है कंप्यूटर पे, ये देखिए ये अपना डोंगल है, इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलते हैं। हाँ रीड एंड टूल में जाइए, ब्रांड में जाइए, यहाँ पर ब्रांड में क्लिक करिए। ब्रांड का ही ऑप्शन देगा, जेनेरिक क्वालिकॉम, जेनेरिक क्वालिकॉम लिखा है वहीं पर ब्रांड है। हाँ इस पर क्लिक करिए, यही। अब इसमें वी टाइप करिए, वी कोई वी बटन दबाइए, सिर्फ वीवो वाले ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। ऐसे वीवो आ गया, देखो वीवो कहीं है, ले लीजिए। ठीक, यहाँ से मॉडल ले लीजिए, कौन सा मॉडल था अपना, 1917 का, वो अलग बता, Z3 कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था, Z1X। नीचे आओ, कहीं Z1X आ रहा है, Y के आगे Z आएगा, XYZ। हाँ Z1 ले लो, Z1 आ गया। अब यहाँ पर डिसेबल लॉक में क्लिक करो, यहाँ नहीं, डिसेबल लॉक में क्लिक करिए, यहाँ पर डिसेबल लॉक दिया हुआ है इस पर, ये देखिए। यहाँ पर वीवो को सिलेक्ट करिए, वीवो नीचे वाले फॉर्मेट एफएस वीवो। हाँ एग्जीक्यूट कर दीजिए, देखिए आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इसमें चलना शुरू हो गया है। एरर, इसमें एरर आ गया, इसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन का लॉक नहीं खुला। ये कह रहा है कि मतलब नो कंप्यूटेबल लोडर फाउंड। ये जैसे 1921 लिख करके आ रहा था ना, पीडी 1921। अब यहाँ पर Z1 जहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करो जरा, यहाँ पर देखो कहीं 1921 लिख के आ रहा है, पीडी 1921, और ऊपर नीचे करो, पीडी 1921 आ रहा है। उन्नीस इक्कीस नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें 1928 आ रहा है, क्या रहा है, 1928 आ रहा है। तो एक क्या काम करिए, यूटर्न को ले लीजिए, यूटर्न लीजिए, यूटर्न ऊपर से दूसरा 1928। हाँ ठीक है, अब इससे फॉर्मेट करिए, क्योंकि ये उसके सब्स्टिट्यूट है, Z1X मॉडल इसमें दिया ही नहीं है। अब अगर इससे नहीं होगा तो फिर इसका मतलब होता है फिर हमको अनलॉक टूल खोलना पड़ेगा। ये भी कह रहा नो कंपेटेबल फाउंड, मतलब इसमें भी नहीं मैच कर रहा है, इसमें भी एरर आ गया। फिर वीवो में जाइए, फिर मॉडल में जाइए, मॉडल में, मॉडल में और नीचे आइए, 1921 था ना, उन्नीस इक्कीस के आसपास, 1920 है क्या कहीं, Y11 ले लो, Y11 ये दिया हुआ है। हाँ ले लो, इससे करो एग्जीक्यूट करो। नो कंपेबल लोडर, हम लोग S1 से ट्राई करते हैं एक बार।
अब डाटा केबल निकालेंगे हम लोग। डाटा केबल निकालने के बाद हम लोग बैटरी निकालेंगे। बैटरी निकालने के बाद बैटरी को लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये हमारा मोबाइल फ़ोन चालू हो गया है। मोबाइल फ़ोन चालू होने के बाद फिर हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपर कि फॉर्मेट हुआ कि नहीं फॉर्मेट हुआ, क्या पोजीशन है, एक एक करके देखेंगे। हाँ फॉर्मेट हो गया, देखो इधर क्लियर डाटा हो गया। कह रहे डाटा क्लियर होगा, आप डिवाइस को ऑपरेट ना करें। ये देखिए ये मोबाइल फ़ोन पूरा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद क्या करेंगे, सेटअप फ़ोन करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आई एग्री स्किप। एक्सेप्ट खुल गया। तो ये हमारे मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल गया। देखिए ये देखिए बिल्कुल हमारा नया मोबाइल फ़ोन हो गया। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने जो भी मोबाइल फ़ोन था, ये वीवो का मोबाइल फ़ोन था, उस वीवो का मोबाइल फ़ोन को हमने डोंगल के माध्यम से लॉक खोला हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कौन से फीचर का यूज करना है, ये भी आप देखेंगे। रीड एंड टूल के अंदर ऑप्शन नहीं आ रहा था। क्वालिकॉम हॉन्सिंग के अंदर हमने जब गए उसके बाद यहाँ पर मॉडल जाने के बाद हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट किया, आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। इस मोबाइल फ़ोन के इन सब लोगों ने मिल करके मोबाइल फ़ोन को हम लोगों ने क्या किया है, लॉक किया है। तो ये वीवो का मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का फ़िलहाल लॉक खुल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का लॉक खोला है। आप जितने भी सारे लोग जो रिपेयर करने वाले हैं तो वो ऐसे इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप लोग लॉक खोल सकते हैं। या आप लोगों के लिए एक UMT डोंगल आता है, वो डोंगल मुझे लगता है आजकल के समय पर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मतलब जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, चाहे तुम्हारे ओप्पो के हैं, वीवो के हैं, रियलमी के हैं, टेक्नो हैं, लावा है, मतलब किसी भी कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन है, सारे मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ में लॉक खोल देता है या उनको रिपेयर कर पाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि वीवो Z1X मोबाइल फ़ोन आता है उसको हम लोग कैसे मोबाइल फ़ोन रिपेयर करते हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है, जिसमें से सारे बच्चे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं, ये बैठ करके मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग एक एक करके मोबाइल फ़ोन को ठीक करते हैं, जिससे हमारा हाथ साफ हो जाता है, हमको प्रैक्टिस भी होती है, हमको सीखने का तरीका भी पता चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।